जी है जी रूम, लेकिन सबसे पहले लेफ्ट साइड पे आता है जी बाथरूम, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। इधर सिक्योरिटी वगैरह क्रॉस कर लूँ फिर मैं आपको मिलता हूँ। भाई आई मैं कहीं नहीं जा सकता। दे सेड यू नॉट इवन इन द सिस्टम, यू हैव अ फ्लाइट फ्रॉम डैलस टू दोहा, पर दोहा से आगे फ्लाइट ही कोई नहीं तुम्हारी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जी मैं सो के उठ गया हूँ फाइनली। जिन लोगों ने मेरा लास्ट व्लॉग देखा उन लोगों को पता होगा कि मैं किधर हूँ। यस आई मीन अ होटल रूम, फ्लाइट मिस हो गई थी तो मुझे होटल में आना पड़ा। एंड दे टोल्ड मी दैट यू विल हैव अ फ्लाइट नेक्स्ट कपल डेज। सो अभी टाइम हो रहा है जी 10:49 एंड दे कॉल मी अराउंड 10:30। आई वॉज स्लीपिंग, I was so tired after 2 days I slept, and they were like, oh, you got a flight today and you have to check out at 11 a.m. I was like, are you guys serious? तो जी अब ये है कि जी उठ गए हैं और निकलने लगे हैं रूम से एयरपोर्ट के लिए सुबह 11 बजे। फ्लाइट शाम को 6:30 बजे है, 7 बजे समथिंग लाइक दैट। लेकिन मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आप लोगों को ना रूम टूर करवा दूंगा, तो बस मैं यही करने लगा हूँ। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, आई विल गिव यू गाइस अ रूम टूर, देन वी विल लीव। ओके, अ फ्यू इंचेस लेटर, तो मैं आप लोगों को देने लगा रूम टूर। ये फ्रंट डोर है जहाँ से मैं एंटर हुआ। अब ये है जी रूम, लेकिन सबसे पहले लेफ्ट साइड पे आता है जी बाथरूम, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। ये बंद कर देता हूँ, लेकिन देख दैट्स द बाथरूम राइट हियर, बाथटब। ओके उसके बाद ये आ गया जिनका फ्रिज, माइक्रोवेव, ये कॉफ़ी के लिए कुछ बनाना है, और ये आ गया जी मैं, गुड मॉर्निंग। उसके बाद ये है जी सोफ़ा लगा हुआ जी यहाँ पे, ये मेरा सामान वगैरह पड़ा है। ये आई थिंक पता नहीं किस चीज़ मुझे आज या मेरा सुबह सुबह ना दिमाग हिला हुआ है। ये है जी बेड, क्वीन साइज बेड, नो किंग साइज बेड, यस किंग साइज बेड, पर टूथ पेक। इधर क्या है, ये मैंने पूरी रात खोल के नहीं देखा। ओह दैट्स अ क्लोजेट, जस्ट अ क्लोजेट वो। और ये है जी बैक का व्यू, सड़क ही है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपके पास जी है जी रूम, और ये रूम मैंने, जैसे कि आप लोगों को पता है कि भाई ये रूम मुझे फ्लाइट वालों की तरफ से मिला, खुद से नहीं लिया, ठीक है। जस्ट वांटेड टू लेट यू नो आउट। खैर ये है जी रूम टूर मेरा, कुछ कोई खास नहीं है, सीधी सी बात है, मेरे पास टाइम भी नहीं है। 10:55 हो गए हैं, ओके, एंड आई गॉट टू गो चेक आउट एट 11। एनीवेज चलते हैं जी, चेकआउट करते हैं, उसके बाद देखते हैं टैक्सी लेते हैं या दे हैव अ शटल, दे विल ड्रॉप मी ऑफ ओवर देयर एट द एयरपोर्ट, या जो भी होगा निकलते हैं। आई विल सी यू गाइस। चलो 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 2:1। ओके यार, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। अच्छा यार चेकआउट तो मैंने कर दिया, मेरी कैब ऑर्डर कर रही है, मैं कॉफी पी लूँ, यू नो, सॉरी आई जस्ट वांट टू गेट कॉफी। चलिए सफाई करे थे, देखा नहीं। एनीवेज गाइस, मैंने क्या कहते हैं, आप लोगों को पता है भाई, उठते साथ आई नीड कॉफ़ी, और मैंने कॉफ़ी नहीं पीना, मुझे लग रहा है मेरे अंदर वो ही नहीं है यार, एनर्जी नहीं है। सो यहाँ से कॉफ़ी लेते हैं गाइस यार, हॉट वाटर कॉफ़ी समथिंग लाइक दैट। कॉफ़ी ले लिए देखो, तो इसके अंदर मैं हमेशा ना ये अंस ज़ीरो कैलोरीज स्वीटनर डालता हूँ, ठीक है। मैं कभी वो शुगर नहीं यूज़ करता, तो जस्ट अ ब्लैक कॉफ़ी, नथिंग एल्स। बिस्मिल्लाह। इट्स नॉट गुड। चलो थैंक यू सर। ओके लेट्स गो, आई सी यू गाइस एट द एयरपोर्ट। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, देयर यू गो गार्ड, मी गॉट माय लगेज।
थैंक यू गाइस, एयरपोर्ट पहुंच गया हूं, लेकिन दिमाग चेक करो, जल्दी के चक्कर में ना मैंने कपड़े चेंज किए हैं ना मैंने व्लॉग शुरू किया। खैर, कपड़े मैं अब दोहा ही जाके चेंज करूंगा, तो व्लॉग तो शुरू कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। ये उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैर वैफियत से होंगे, मैं भी अल्लाह का करम अल्लाह का फजल बिल्कुल ठीक ठाक। अब मैं ज़रा चेक इन वगैरह कर लूँ, सिक्योरिटी पैस वगैरह कर लूँ, फिर मैं उसके बाद अब आप लोगों से मिलूँ, ठीक है। अंदर बैठते हैं, बाहर थोड़ी गर्मी लग रही है। अब मैं सिर्फ व्लॉग शुरू करने के चक्कर में मैं अंदर नहीं गया, मैं क्या फिर टाइम लगेगा अंदर, तो अभी व्लॉग शुरू कर लो, फिर अंदर जाके बाकी जो होगा फिर आपके साथ शेयर करेंगे। सो लेट्स गो इन, आई विल सी यू गाइस आफ्टर चेकिंग इन। ओके गाइस, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा जी, मैं अदर सिक्योरिटी वगैरह क्रॉस कर लूँ फिर मैं आपको मिलता हूँ। भाई आई मैं कहीं नहीं जा सकता, उसकी वजह ये है मेरी फ़्लाइट है शाम को 6:30 बजे, और जब आप एयरपोर्ट से बाहर निकलते हो, आप वापस आते हो, आप पूरा उसी तरह जिस तरह आप टिकट काउंटर पर जाते हो, चेक इन वगैरह करते हो, फिर सिक्योरिटी से गुजरते हो, पूरा जो है सिस्टम है ना ये दोबारा चलेगा। तो मैं होटल में चला गया था, वापस आया, और मेरी फ़्लाइट शाम को 6:30 बजे है, और मेरा काउंटर खुलेगा अराउंड 5:30 इन द इवनिंग, तब मैं टिकट काउंटर पे जाऊंगा, चेक इन करूंगा, फिर सिक्योरिटी क्रॉस करूंगा, फिर उसके बाद फ़्लाइट में जाऊंगा। तो भाई तब तक अब मैं इधर ही बैठा हूं, पीछे आप लोगों को मेरे रोड नज़र आ रहा होगा, जहां से मैं वहां से मैं अंदर आया हूं, बस इधर ही बैठे हैं जी, अब पूरी शाम और 12 बजने वाले हैं, और अब मैं इधर ही बैठूँगा नेक्स्ट 5-6 आवर्स। एनीवेज, अब आपको मैं फिर तभी मिलूंगा, इस व्लॉग को मैं यहाँ पे होल्ड पे लगा दूँ, तो इंशाल्लाह आप लोगों से मिलूंगा जब मैं सिक्योरिटी क्रॉस कर लूँगा। ओके, उसके बाद आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी, सो स्टे ट्यून। तो ये आप लोगों का भाई फाइनली चेकआउट करके चेक इन करके सिक्योरिटी क्रॉस करके अंदर आ गया। एज यू कैन सी, मैं ज़रा खाना ले लूँ, मैं यहाँ पे चिकफले पे आया हूँ, मुझे भूख लग रही है, सुबह से कुछ नहीं खाया, खाना ले लूँ और फिर आपको बैठ के बताता हूँ कि आज हुआ क्या मेरे साथ। ओके गाइस, तो जी अल्हम्दुलिल्लाह कल वाले गेट पे वापस आके बैठ गया हूँ, कल भी यही गेट था D14 जहाँ से मेरी फ़्लाइट मुझे नहीं मिली थी। खैर, वापस आके बैठ गया हूँ, और ये खाना भी मैं ले आया हूँ, ये मैं आपको दिखाता हूँ मैं क्या खा रहा हूँ। हुआ क्या भाई, मैं बैठा रहा, मैंने जैसे कि बोला कि भी 6 घंटे मुझे बैठना है, 4 बजे मैं लाइन में लग गया चेक इन करने के लिए, और जब चेक इन करने गया आफ्टर सो लॉन्ग, इट वॉज लॉन्ग लाइन, काफ़ी देर वेट लाइन में लग के लगने के बाद जब मेरी बारी आई ही आई, तो दे सेड यू नॉट इवन इन द सिस्टम, यू हैव अ फ्लाइट फ्रॉम डैलस टू दोहा, पर दोहा से आगे फ्लाइट ही कोई नहीं तुम्हारी, यानी कि सिस्टम में मेरी टिकट ही नहीं है। तो कल रात को जो औरत ने जो भी किया बैठ के, जो भी जिसने मेरी रीबुक की फ्लाइट, उसने मेरी दोहा से लाहौर की फ्लाइट ही बुक नहीं की। You serious? You guys won't believe, उन लोगों ने मुझे आगे से कहा कि भाई अब तुम जाओ अमेरिकन एयरलाइंस के पास, क्योंकि तुम्हारी टिकट उनकी तरफ से इशू हुई है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। जस्ट इमेजिन, मेरे हाथ पांव फूल गए। लेकिन फिर बात हुई है कि अल्लाह की करनी है भाई, तो अमेरिकन एयरलाइन पे गया, वहाँ मुझे लड़का मिल गया, वो था पाकिस्तानी, फिर उसने सारा कुछ देखा, उसने टिकट इशू की, तो घंटा मुझे अमेरिकन एयरलाइन पर लगा, तो वहाँ से 5 बजे मैं वापस कतर के टिकट काउंटर पर आया, तो लड़का मेरे साथ आया, तो उसके लिए बड़ी उस बंदे का बहुत शुक्रिया भाई, उसने बड़ी हेल्प की मेरी, और फाइनली जाके अब टाइम हो रहा है जी 5:30, तो मुझे फाइनली टिकट इशू हो गई, बोर्डिंग पास मिल गए, और अब मैं फ्लाइट के इंतज़ार में बैठा। दैट वाज द हैसल, यू गाइस वोंट बिलीव, मैंने कहा कि भाई कुछ भी करो, मैं आज दोहा जा रहा हूँ, आई एम नॉट स्टेइंग इन डैलस वन मोर डे, लेट मी ईट माई फूड नाउ, आई एम सो हंग्री, सुबह से ये टाइम आ गया, मैंने कल रात को खाना खाया था, अगर आप लोगों ने डैलस वाला जब मेरा जो मैं होटल में मैंने खाना खाया था, अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट व्लॉग देखा हो तो उसमें आपको समझ आ जाएगी, मैंने होटल में खाना खाया था, तब से लेके ये टाइम आ गया, रात को 2 बजे खाना खाया, 2:30 के करीब खाना खाया, और अब ये टाइम आ गया, सो लेट मी ईट, और मैं दिखा भी देता हूँ मैं क्या खा रहा हूँ। खाने में मैंने क्या लिया, बड़े अरसे बाद ड्रिंकिंग सोडा मैन, कोक, ठीक है, उसके अलावा मैंने ये फ्राइज और मेरी फेवरेट ग्रिल चिकन नगेट्स,
भाई यही खाऊंगा मैं तो, ये मेरा खाना है। बाकी इंशाल्लाह प्लेन में जो मिल जाएगा वो खा लेंगे, बस ही ये खा लेते हैं, फिर उसके बाद प्लेन में मुलाकात होगी वापसी इंशाल्लाह। बाकी दुआ कीजिएगा भाई, सफ़र आसान और अजीब ही अजीब सफ़र गुजरा है। जब मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को दिखा दूँ खाते हुए भाई, बिस्मिल्लाह। बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है, लुक एट दिस लाइन यूनिवर्सिटी या स्लॉन्ग लाइन, एनीवेज बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है, बस जहाज़ में बैठते हैं फिर इंशाल्लाह बाकी पूरा व्लॉग जहाज़ में कंटिन्यू करेंगे। और इस व्लॉग को ना मैं इंशाल्लाह उधर दोहा पहुँच एंड करूँगा, क्योंकि मेरा व्लॉग बहुत लंबा हो गया मुझे पता है, तो इस व्लॉग को दोहा में जाके एंड करेंगे, फिर दोहा से आगे इंशाल्लाह पाकिस्तान का व्लॉग चलेगा इंशाल्लाह, ज़िंदगी रही। तो अगर मेरी बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है, मुझे एकदम ख्याल है मैं आपको दिखा देता हूँ मैं कौन से प्लेन में बैठा हूँ। लुक दिस, दिस इज द प्लेन गाइस, फोकस नहीं हो रहा, ये देखो ये चक्कर अंदर पायलट बैठे हैं अंदर। खैर ये है जी हमारा जहाज, ठीक है ना, तो चलते हैं जी, टाइम हो गया। वो देखो वो आखिरी लाइन है और उसी लाइन में मेरी बारी है, तो लेट्स गो। फाइनली लुक दिस, जहाज में बैठने लगे, तो अब आप लोगों से जहाज में बैठ के मुलाकात होगी इंशाल्लाह। ओके गोइंग मैन, मैं सबसे पीछे रह गया, बहुत खुद दुनिया आगे जा रही है। 21K, yes। तो जी विंडो सीट मिल गई, लेकिन देखो बदकिस्मती हमेशा पर पे मिलती है यार, बंदा कोई व्यू नहीं दिखा सकता, हर दफ़ा ऐसे ही होता है, मुझे पर पे जगह क्यों मिलती है मेरे तो समझ से भाई। एनीवेज बैठ गए जी फाइनली, ये जी मेरी स्क्रीन, मैं तो मूवियाँ देखते आना खुदा दी कसम, शुक्र लगा यार, दिस फ्लाइट इज पैक्ड, इज फुल बाय द वे। चलो थोड़ी देर बाद मिलता हूँ, इससे पहले जहाज चल पड़े मैं आप सोचा मैं आप लोगों को चीज़ें दिखा दूँ जो हमें मिलती हैं, ठीक है। ये ब्लैंकेट है रात को ठंड के लिए, इसके अलावा ये है ये आपका टूथपेस्ट वगैरह ब्रश वगैरह करने के लिए, ये कंघी वगैरह, ये लोग कानों में रुई घुसाने के लिए, ये नाक में रुई घुसाने के लिए भी है और ये है ये हेडफोन्स हैं जो आप रस्ते में यूज़ करेंगे जी मूवी वॉच करते हुए ऑब्वियसली, बस जी यही है। बाकी जब कोई खाना वगैरह आएगा तो इंशाल्लाह आपको वो भी दिखा देंगे, लेकिन फिलहाल अभी भी लोग आ जा रहे हैं, जैसे ही ये कहते हैं अभी तक मेरे साथ कोई आके बैठा नहीं है, दुआ करो कोई ना आया है, मैं तो इतनी लंबा पै जाना कोई ना आया, तो खैर आ जाएगा कोई ना कोई, बड़ी फुल फ्लाइट है। तो बाकी इंशाल्लाह आप लोगों से मिलूँगा तब जब मैं आप लोगों को याद कर रहा हूँगा ना, मैं कैमरा ऑन कर लूँगा और आप लोगों से मुलाकात कर लूँगा। अब फिलहाल मैं इस व्लॉग को फोन पर लगाता हूँ, बाकी इंशाल्लाह जो जो फ्लाइट में भी होगा या जो रस्ते में होगा इंशाल्लाह दोहा पहुँचते तक आपको साथ साथ दिखाते जाएंगे, और दोहा पहुँच के इस व्लॉग को एंड करेंगे इंशाल्लाह। ओके सो स्टे ट्यून्ड, आई विल सी यू गाइस इन अ शॉर्ट टाइम। लेकिन मुझे मजबूरन कैमरा ऑन करना पड़ गया क्योंकि मुझे आपकी याद बड़ी आ रही है आप लोगों की। दूसरी जो बात है ना मेन रीज़न वो आप देखिए सामने सामने आदमी एंड में ये एंड में इसके हाथ में बच्चा है, दे हैव अ बेबी भाई, ये पूरी फ्लाइट में शोर डालने वाले तब से रो रहा है मेरा बच्चा, ये मेरा बच्चा कह रहा हूँ, मेरा बच्चे जैसे ही यार बच्चों जैसे ही है, पर भाई जो फ्लाइट है ना बड़ी बुरी गुजरने वाली है ना, आप लोगों को भी बता रहा हूँ क्योंकि भाई आवाज़ आ रही है, मैं सोना सी जो अल्लाह को मिले बच्चे अलग अल्लाह की नेमत है भाई, अल्लाह सलामत रखे। बस बता रहा था कि भाई आज फ्लाइट में बहुत रो रहा है, शोर मचने वाला है, लगा हुआ बच्चे से, अल्लाह सलामत रखे। I
फ्लाइट को टेक ऑफ हुए पूरा एक घंटा हो गया और हमें पहली मील मिल भी गई है, तो आप सर अब मैं कोशिश शेयर करती हूँ। ओके, सबसे पहले ये ब्रश है, उसके बाद ये पता नहीं क्या चीज़ है, ये मेरे ख्याल से इसमें कोन है या तो नहीं दलिया है, आई डोंट नो क्या चीज़ है ये, इसको ट्राई करूँगा तो पता लगेगा। और ये आई थिंक आइसक्रीम वगैरह है, ठीक है। उसके बाद पानी है, बस मैंने पानी मंगवाया, मैं और कुछ पीता नहीं हूँ। साथ ये चम्मच वगैरह है, ये है कि मेन रोस्टेड चिकन विद वेजिटेबल्स। सच बताऊँ तो मुझे लग रहा है मरीजों वाला खाना, लेकिन क्या करें, ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाह, बस ठीक है, फीका पानी। मैंने पहले बोला ना मरीजों वाला खाना लग रहा है, सो इट इज। एनीवेज, जैसा भी है अल्लाह का शुक्र है, खाते हैं इंशाल्लाह, बाद में मिलते हैं वापस। गुड मॉर्निंग गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सोच रहे हो कि मैं आप लोगों को ये गुड मॉर्निंग क्यों कह रहा हूँ, इसलिए क्योंकि मेरी 2-3 घंटे आँख लग गई थी। आपको पता है हमारी फ्लाइट शाम को 6:30 बजे चली थी और रात का वक्त था, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को जो दिखाना चाह रहा हूँ ना, आफ्टर 5 आवर्स अमेरिका के टाइम के मुताबिक इस टाइम 1:15 हो रहा है रात का, ठीक है। मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ, ज़रा गौर से देखना। मैं बताना ये चाह रहा था कि हम लोग दिन की रोशनी में निकले थे, जिसके 1.5 घंटे बाद रात हो गई थी, ठीक है। और 1.5 घंटे के बाद अगले 3 आवर्स में फिर दिन निकल आया। मैं आप लोगों को ये दिखाना चाह रहा था, देखो अल्लाह की कुदरत, ठीक है। मैं अपने रात के दिन 10 बजे सोया हूँ, 11-12 एक मेरी 1 बजे रात की आँख खुल गई है, तो मेरे ख्याल से खाने का टाइम नहीं है, तो स्नैक के लिए मैं आपको कुछ खा लूँ। पहले कभी ऐसे नहीं मिली, लेकिन फर्स्ट टाइम है मेरे लिए भी। देखो, दिस इज खाओ बटर चिकन पेस्ट्री, फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ स्नैक मिली, ठीक है। आई डोंट थिंक ये खाना है, लेकिन खैर ये है खाने के लिए, चलो खा के देखते हैं और आपको बताते हैं। जी ऐसे दिखने में है अंदर से, जस्ट लाइक एप्पल पाई, अगर आप लोगों ने कभी एप्पल पाई खाया हो, सो दिस इज व्हाट इट इज, लेट्स ट्राई। बिस्मिल्लाह, चिकन का कीमा टाइप डाला हुआ अंदर, नाइस। तो लास्ट मील, फोर्थ डे, मैं तो ये बोलूँगा भाई आखिरी मील आ गई है अपनी इस 16 घंटे की फ्लाइट की, ठीक है जी। मैं आपको वो दिखाता हूँ और इंशाल्लाह नेक्स्ट 2 आवर्स में हम लोग इंशाल्लाह ज़िंदगी तो दोहा पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो उससे पहले जी हम लोगों को खाना सर्व हो गया, तो आपको दिखाते हैं। देखो वंस अगेन ये सेम वही ब्रेड टाइप आया है, बाद मैंने पानी ले लिया है, मैं तो जैसे कि मैंने बोला मैं पानी पीता हूँ। उसके बाद ये फ्रूट है, उसके बाद आई थिंक ये भी कोई कस्टर्ड टाइप है कुछ, जो लास्ट टाइम मिला था वो है। अब इसमें क्या है ये खोलते हैं। मैंने ऑर्डर किया है बटर चिकन विद राइस, इंडियन बटर चिकन विद राइस, खोल के दिखाता हूँ आपको। ये है जी, ठीक है भाई जान, ये है जी बटर चिकन विद राइस इंडियन। बीच में इतना मोटा अनियन डाला है इन लोगों ने, चलो जी बटर चिकन से ट्राई करते हैं, ठीक है जी। बिस्मिल्लाह, टू आवर्स लेटर, चलो जी चलो। बिस्मिल्लाह, थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह, लो जी जनाब हम लोग तो पहुंच गए।
ये लो जी दोहा पहुंच गए खैर से अल्हम्दुलिल्लाह। ओके गाइस, तो जी अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली वी आर अराइव्ड एट दोहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब यहाँ से मुझे नेक्स्ट फ्लाइट के लिए जाना है और मेरी नेक्स्ट फ्लाइट है नेक्स्ट वन टू आवर के अंदर। तो मैंने गेट चेक कर लिया, गेट A10 पे जाना है। A10 वे इज A10 आई गॉट अ लुक A10 हाँ आई गॉट अ लुक वैन। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह गेट चेक कर लिया मैंने, गेट A10 है। तो मेरी फ़्लाइट दोहा से इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए जाएगी। फिर मैं इस व्लॉग को यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट व्लॉग में, और नेक्स्ट व्लॉग होगा दोहा से इंशाल्लाह लाहौर का, क्योंकि ये मेरा व्लॉग बहुत लंबा हो गया भाई, 16 आवर की फ़्लाइट थी, यू गाइस नो राइट। तो नेक्स्ट गेट पे पहुँचते हैं इंशाल्लाह, एंड आई विल सी यू गाइस इन अ नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, और नेक्स्ट व्लॉग तो इंशाल्लाह पाकिस्तान का होगा। ओके, सो आई विल सी यू गाइस इन पाकिस्तान। दुआओं में याद रखें और अपना बहुत ख्याल रखें। फी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।